Students will be doing the question answers of chapter Rip Van Winkle. The exercises are given in your textbook. Complete the following sentences. Rip's village was situated. उसका विलेज कहाँ सिचुएटेड था? इट वॉज सिचुएटेड एट द फुट हिल्स ऑफ द काटस्किल माउंटेन्स. ओके, चिल्ड्रेन ऑफ द विलेज लव्ड हिम बिकॉज. जो बच्चे थे उस गाँव के उसको क्यों पसंद करते थे? बिकॉज ही प्लेड विद देम, टॉट देम टू फ्लाई काइट्स एंड शूट मार्बल्स एंड टोल्ड देम लॉन्ग स्टोरीज. ठीक है, ये कॉम्प्रिहेंशन की तरह भी आ सकता है बेटा, आपको इसका आंसर आना चाहिए. द डॉग नेम्ड वुल्फ वॉज हिज कॉन्स्टेंट कंपेनियन. वो उसका परमानेंट, उसका रेगुलर एक पार्टनर था, उसका फ्रेंड था. ठीक है, नेक्स्ट है द विलेजर्स स्टेयर्ड एट हिम बिकॉज नो वन न्यू हिम. सारे उसको घूर घूर के इसलिए देख रहे थे क्योंकि कोई भी उसको जानता नहीं था. द ओल्ड वुमन हु रिकॉग्नाइज रिप वॉज हिज ओल्ड नेबर. वो उसकी पुरानी पड़ोसी थी. नेक्स्ट है व्हाट वर द स्ट्रेंज थिंग्स अबाउट द मेन ऑन द माउंटेन्स. जो लोग मिले उसे, स्ट्रेंज लोग मिले, उनका डिस्क्रिप्शन देना है बेटा, क्या क्या उनके बारे में अलग था. दे ऑल वर ड्रेस्ड इन द सेम वे. मैंने जब आपको स्टोरी एक्सप्लेन की थी तो मैंने बताया था सबने ऑलमोस्ट सेम तरह के कपड़े पहने हुए थे. दे ऑल हैड बियर्ड्स ऑफ वेरियस शेप्स एंड कलर्स. दे वर सीरियस इवन वाइल प्लेइंग गेम्स. वो गेम्स खेलते हुए भी बहुत सीरियस थे और सबकी हाइट बहुत ही शॉर्ट थी. ठीक है, दे वर ऑल वेरी शॉर्ट हाइटेड. ओके, नेक्स्ट है कैरेक्टर स्केच ऑफ रिप वैन विंकल. वॉट काइंड ऑफ अ मैन वॉज रिप वैन विंकल. ही वॉज अ काइंड नेबर. ही वॉज वेरी लेजी. ही लाइक टू प्ले विद चिल्ड्रेन एंड ही वॉज अ गुड नेचर्ड फेलो. ठीक है, आप ये वर्क अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लीजिए.